हिदाया डिग्री कॉलेज, ऑपोजिट छोटी मस्जिद, मुरादनगर, मेहंदीपट्टनम, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। घोस्ट बस्टर टीचर ने 5वीं क्लास के आसिफ ज़दा क्लासरूम में सोकर तुलबा का खौफ दूर कर दिया। न्यूथल रविंदर ने गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के जीनात मंडल आनंदपुर के मंडल परिषद अपर प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। क्लास 7 को पढ़ाते हुए बाहर एक दरख्त गिर गया, जिससे तुलबा खौफ से कांपने लगे। रविंदर ने अपनी क्लासरूम में 9 तालिबे इल्मों से उनके रद्द अमल के बारे में पूछा और उन्होंने क्लास 5th में भूत परस्ती में अपने अकीदे का इंकशाफ किया। इन्हें यकीन दिलाने की उनकी कोशिशों के बावजूद तालिबे इल्म डटे रहे। उन्होंने खाली क्लासरूम से अक्सर सुनने वाली अजीब व गरीब आवाज़ों को बयान किया। उन्होंने दलील दी कि भूत के अलावा और कौन ऐसी आवाज़ें निकाल सकता है। उन्हें गलत साबित करने के लिए रविंदर एक अखिलियत पसंद और जना विज्ञाना वेदिका के जनरल सेक्रेटरी ने क्लास 5th के कमरे में सोने की पेशकश की, ताहम तुलबा ने इसरार किया। वो 5 जुलाई अमावस्या की रात को ऐसा करते हैं। रविंदर ने एक शर्त पर इत्तेफाक किया, इसके बारे में किसी को भी मालूम ना होने पाए। मुकर्रा रात को रविंदर बेडशीट और टॉर्च लेकर स्कूल पहुँचे। तालिबे इल्मों की तरफ से देखा गया कि वो रात 8 बजे क्लास 5th में दाखिल हुए। रात बग़ैर किसी वाक़े के गुजर गई और अगली सुबह तालिबे इल्म बेताबी से सुबह 6 बजे क्लासरूम के बाहर जमा हो गए। जब रविंदर जिंदा और सही सलामत बाहर आए तो आखिरकार तुलबा को यकीन हो गया कि कोई भूत नहीं है। सुबह मुझे मिलने आने वाले तुलबा को बिलाखिर यकीन हो गया कि कोई भूत नहीं है, लेकिन तुलबा में खौफ हकीकी था। स्कूल में 87 तालिबे इल्म हैं और पिछले साल उनमें से एक लड़का प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना छोड़ गया था, क्योंकि उसे यकीन था कि इमारत में कोई भूत है। वो सुबह मुझे मिलने भी आया था, रविंदर ने पीर को शेयर किया।